Good morning, students. I am Asha Thakur, your physical education teacher. Today I will teach you physical education unit 2, nutritive and non-nutritive components of diet. Nutritive components of diet: carbohydrates, fats, protein, vitamin and minerals. इसका मतलब है आहार के पोषक तत्व जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मतलब वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट: फाइबर और लोहगेंगे, वाटर, कलर कंपाउंड्स, फ्लेवर कंपाउंड्स एंड प्लांट कंपाउंड्स। इसका मतलब है जो आहार के गैर पोषक तत्व हैं वो है फाइबर या लोहगेंगे, वाटर मतलब पानी, कलर कंपाउंड्स मतलब रंग के यौगिक, फ्लेवर कंपाउंड्स मतलब स्वाद के यौगिक एंड प्लांट कंपाउंड्स मतलब पौधे के यौगिक। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मतलब है खेल के पोषक विटामिन। इस बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न जनरल न्यूट्रिशन दैट इज अ बैलेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स अ वैरायटी ऑफ फूड एंड मॉडरेशन ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड। With that in mind, the importance of the training diet has been recognized. इसका मतलब है जो खेल के पोषण विटामिन हैं वो इस बेस अपॉन इस पर आधारित है। मूल सिद्धांत जो सामान्य पोषण को नियंत्रित करते हैं वह है सभी पोषक तत्वों का संतुलन भोजन की एक किस्म और उस भोजन के सेवन का तरीका। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण आहार के महत्व को मान्यता दी गई है। अब हम पढ़ते हैं द ट्रेनिंग डाइट। तो द ट्रेनिंग डाइट है एथलीट्स नाउ अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट ईट well to ensure maximum return from heavy training schedules. The competition diet is established providing athletes with knowledge of special eating practices before, during and after the event to maximize their performance. इसका मतलब है एथलीट अब समझते हैं कि भारी प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिकतम बॉक्सी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से खाना चाहिए। प्रतियोगिता आहार को विशेष प्रदर्शन प्रथाओं के ज्ञान के साथ एथलीटों को प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है, इससे पहले प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद। Each sports person will have different dietary requirements depending on training, age, sex, body size, sports player, involvement for training and competitions. इसका मतलब है प्रत्येक खेल व्यक्ति के लिए अलग अलग आहार आवश्यक होते हैं जो उसके आधार पर होते हैं, जैसे ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, एज आयु, सेक्स शारीरिक आकार, बॉडी साइज, स्पोर्ट प्लेयर, उसके बाद प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए बात। अब हम आते हैं कंपटीशन डाइट। तो इसमें हमारा जो कंपटीशन डाइट है इसका मतलब होता है प्रतियोगिता डाइट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशनली
रिलेटेड फैक्टर्स दैट कॉज फैटिग्यू एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस, दिस बीइंग डेप्लीशन ऑफ मसल्स स्टोर्स एंड डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है पोषण संबंधी कारकों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है जो थकान और कम प्रदर्शन का कारण बनते हैं। ये है मांसपेशियों की दुकानों में कमी और निर्जलीकरण। थैंक यू।